जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में, जानने वाले हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में कि ट्रायल बैलेंस का यूज क्या है और क्या होता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के कंक्लूजन होता है ऐसा मान सकते हैं, जिसमें आपका टोटल क्रेडिट और टोटल डेबिट का बैलेंस इक्वल आता है। और इसमें अब वो ज्यादा नहीं सोचना है, बस लॉजिक लगाना है कि कौन क्रेडिट होगा कौन डेबिट होगा, उसको उस साइड में लिख देना है। ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट होता है, वही दिमाग में बस सेट कर लेना है। और फॉर्मेट बहुत इजी होता है। फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है कि पहले होते हैं मान ली डेट वाला डेट, इसमें सिर्फ पार्टिकुलर, इसमें होता है सिर्फ पार्टिकुलर, उसके बाद होता है एलएफ, उसके बाद होता है डेबिट, उसके बाद होता है क्रेडिट। ये फॉर्मेट है, बहुत आसान छोटा सा फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट दिमाग में सेट कर लेना है। और कितना आसान है कि मान लो यहाँ लिखा होगा, जैसे लिखा रहेगा मान लो यहाँ लिखा होगा कैपिटल, कैपिटल 50,000 लिखा हुआ है कैपिटल। तो अब यही काम करना है कि जो भी लिखा होगा वो सब इसी में लिखना है। जैसे मान लो कैपिटल लिया था, यहाँ कैपिटल मैंने लिख दिया। अब आप जानते हैं कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट की डेबिट। तो बस 50,000 का बैलेंस क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बस यही करना है आज की क्लास। मान लो यहाँ दिया हुआ कैश, तो कैश क्या है, एसेट्स है, संपत्ति। संपत्ति का नेचर क्या होता है, डेबिट। यहाँ लिख देंगे कैश और इसका बैलेंस कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड। यही करना है आज, यही से पहचानना है। मान लो दिया है सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर क्या है, क्रेडिट है डेबिट है, नाम में छुपा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर, क्या है क्रेडिट है डेबिट है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, उसका नेचर क्या होगा, क्रेडिट होगा। किस साइड में बैलेंस लिख देंगे इसका, क्रेडिट साइड। आसान है ना, बस यही करना है। चलिए जो मैटर दिया हुआ है उस मैटर को पढ़ते हैं, सीखते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस और टोटल ऑफ डेबिट और टोटल क्रेडिट ऑफ ऑल अकाउंट्स इन रिलेटेड। कह रहा है कि जो ट्रायल बैलेंस होता है, पहली बात तो इसे हिंदी में तलपट बोलते हैं। कह रहा है कि स्टेटमेंट होता है जो क्या करता है, शो करता है टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का बैलेंस दिखाता है। इसमें जो लेजर से पास होकर यहाँ आए होते हैं, इसे लेजर से पास होकर आया था, इंटेंडिंग टू वेरीफाई द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग द लेजर अकाउंट। और क्या है, एक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक किया थी, मैथमेटिकल एरिथमेटिकल में जहाँ कैलकुलेशन डिवीजन हो, ये सारी चीजें उससे एरिथमेटिकल हुआ जाता है, उसकी एक्यूरेसी चेक की जाती है कि जो लेजर से चीजें आई हैं वहां बराबर है कि नहीं। इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, इट शो द फाइनल पोजीशन ऑफ अकाउंट ऑल अकाउंट। कह रहा है कि ये क्या है, एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट होता है जो क्या करता है अकाउंटिंग प्रोसेस की, जो क्या दिखाता है, हमें फाइनल पोजीशन दिखाता है सारे अकाउंट्स का, सारे खातों का, और हेल्प करता है, मदद करता है कहीं ना कहीं हमें फाइनल स्टेटमेंट तैयार करने में, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि हमारे व्यापार में हमारे व्यापार की स्थिति क्या चल रही है। ठीक है, ये सारी चीजें हिंदी में क्या दिया सुनिएगा, वही चीज रिपीट किया हुआ है कि ट्रायल बैलेंस किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक निष्कर्ष होता है, या प्राइमरी फाइनल अकाउंटिंग बुक को क्या क्या जोड़ता है। किसी भी अकाउंट की फाइनल वैल्यू हम जनरल बुक से सीधे नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए सभी क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लेजर, और लेजर के बाद इससे पोस्टिंग की जाती है। ठीक है, और यही फॉर्मेट इसका है, पार्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट। आसान है, नीचे क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन को बस पढ़ना है और लिख देना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है डेप्टर क्रेडिटर कैप्टर, तो डेप्टर का नेचर क्या होगा, किस साइड में जाएगा, लिखेंगे तो यही पार्टिकुलर में सब लिखेंगे, लिखेंगे सब पार्टिकुलर में, बस अमाउंट और जो इसका डेबिट होगा डेबिट साइड में, जो क्रेडिट होगा, सब नोट्स बंद कर लीजिए, नोट्स बंद कर लीजिए, नोट्स बंद कर लिए, एक नोट्स मुझे दे दीजिए। नोट्स बंद हो गया सबका, किसी का नोट्स बाहर ना दिखे, रिक्वेस्ट है। ये तो बाकी आप समझदार हैं, क्यों तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे लिखेंगे इसका, अगर मैं क्वेश्चन बोलूंगा तो क्वेश्चन आप ऐसे लिखेंगे, एक साइड में लिख देंगे पार्टिकुलर और एक साइड में लिख देंगे अमाउंट, ये क्वेश्चन लिखने का तरीका होगा। अब मैं जो बोलूंगा पार्टिकुलर में पार्टिकुलर और अमाउंट में अमाउंट, पहले इसका क्वेश्चन लिख नोट करिए, आप तो कॉपी बनाइए, पार्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट बनाइए। अभी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अभी सॉल्यूशन नहीं करना, सॉल्यूशन जो बताऊंगा तब तो करना। बोलूं
क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन कैसे लिखना है, पार्टिकुलर और अमाउंट दो सेक्शन में डिवाइड कर लेना है, फिर कनेक्शन। चलिए लिखिए पहला डेप्टर, DEBTOR डेप्टर, DEBTOR डेप्टर, RS 15,000 हो गया। अगला लिखिए क्रेडिटर, सामने देखिए यहाँ पे क्रेडिटर अमाउंट लिख लिए 10,000। अगला लिखिए कैपिटल अमाउंट लिख लीजिए 20,000। अगला लिखिए ड्राइंग अमाउंट लिख लीजिए 2,600। हो गया नहीं हुआ। अगला लिखिए कैश बैलेंस अमाउंट में लिखिए 500, 6,000 नहीं 500। कैश बैलेंस हो गया। उसके बाद लिखिए बैंक बैलेंस, लिखिए बैंक बैलेंस अमाउंट लिखिए 700 रुपया। बैंक बैलेंस कैश बैलेंस के बाद लिख लीजिए बैंक बैलेंस अमाउंट लिखिए 700 रुपया। हो गया। अब लिखिए परचेज, 700 रुपया। एक बार में सुनिए, एक लाइन तो बोल रहा हूँ। अगला परचेज अमाउंट में लिखिए 6,000 रुपये। हो गया। अगला लिखिए परचेज रिटर्न 700 रुपया, परचेज 6,000 और परचेज रिटर्न 700। मंटू कहाँ गए थे तुम? हो गया ठीक है। अगला लिखिए सेल्स, सेल्स SALES सेल्स 35,000, 35,000। अगला लिखिए सेल्स रिटर्न 600, सेल्स रिटर्न 600। अगला लिखिए बिल्डिंग 30,000, बिल्डिंग सेल्स रिटर्न 600। अगर आप बिल्डिंग है, एक बार में सुनिए, एक लाइन तो बोल रहा हूँ अभी। बिल्डिंग 30,000 रुपए। अगला लिखिए रेंट पेड, RENTPAID रेंट पेड, रेंट पेड का लिखिए 4,000। अगला लिखिए फर्नीचर, ये क्या हो रहा है जी, मैसेज ऐसा भाई गए, एक देंगे फोन बाहर अभी उठा के। रेंट पेड हो गया 4,000। अगला लिखिए फर्नीचर 6,600, 6600 अमाउंट रहेगा 6600, 6,600 फर्नीचर का बैलेंस रहेगा 6600। अगला लिखिए लास्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड 300 रुपया, इंटरेस्ट रिसीव 300 रुपया। हो गया। अब सुन लीजिए मेरी बात, आप सॉल्यूशन कैसा करेंगे, चलिए इसके नीचे ऐसा फॉर्मेट बनाइए, ऐसा फॉर्मेट बनाइए। कैसा फॉर्मेट? पार्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, ऐसा फॉर्मेट बना लीजिए, खूब लंबा लंबा सा ऐसा फॉर्मेट बना लीजिए, कुछ लंबा सा लाइन लंबा कर लीजिएगा। अब पार्टिकुलर में लगातार जैसे मैं लिखवाया हूँ वैसे सारा इंग्लिश वाला उतार लीजिए, जो भी वर्ड दिए अल्फाबेट दिए हुए, और अमाउंट जिसका जिस साइड में आपको लग रहा है उस साइड में लिख दीजिए। ये आपका होमवर्क है, करना स्टार्ट करिए। लोगों ने बहुत ही लंबा टाइम ले लिया, नहीं अब कुछ जोड़ना फोड़ना नहीं है आपको, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन मैंने दिया था, एक एक करके बोलेंगे आप लोग और मैं बताता जाऊंगा आपको, मैं ही बता रहा हूँ और आप लोग मैच कराते जाएंगे कौन किस साइड में रहेगा, उसका बैलेंस क्लियर रहेगा। पहले मैंने कहा जो क्वेश्चन दिया हूँ पूरा पार्टिकुलर साइड में लिख दीजिए, जैसे पहला मैंने दिया था डेप्टर, उसका बैलेंस लिखेंगे आप डेबिट साइड में, मैच कराइएगा। दूसरा मैंने बोला था क्रेडिटर, उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगला बोला था मैंने कैपिटल,
इसका नेचर ही क्रिएट होता है, तो बैलेंस भी क्रिएट साइड में ही होगा। अगला है ड्राइंग, ड्राइंग का होता है आहरण होता है, यानी पूंजी को घटाता है, घटाता है तो माइनस, माइनस मतलब डेबिट, एंड ड्राइंग का बैलेंस किस साइड में लिखेंगे भाई, सब तो पार्टिकुलर में रहेगा, बैलेंस में ना लिखना है इधर उधर। ठीक है, अगला है कैश बैलेंस, तो बैलेंस कैसी है ना, चाहे बैंक में हो, चाहे हाथ में हो, चाहे कहीं भी हो, है एसेट्स, एसेट्स से तो नेचर डेबिट होगा, तो कैश बैलेंस का नेचर क्या होगा, डेबिट होगा। बैंक बैलेंस का नेचर क्या होगा, डेबिट होगा। क्या अगला है परचेज, परचेज का नेचर क्या करते हैं आप लोग, परचेज को क्या करते हैं आप लोग, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, डेबिट, नेचर डेबिट होगा, तो बैलेंस भी डेबिट साइड में लिखेंगे। पर्ची रिटर्न का क्या होगा, इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे, उल्टा हो जाता है ना, पर्ची डेबिट तो पर्ची रिटर्न क्रेडिट, ऐसे सेल्स क्रेडिट, सेल्स का बैलेंस किधर लिखेंगे, 35,000 क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट साइड में लिखेंगे। अगला है बिल्डिंग एसेट्स है, इसका बैलेंस डेबिट साइड में लिखेंगे। अगला है रेंट पेड, रेंट देना इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, प्लस की माइनस, माइनस मतलब डेबिट, तो बैलेंस किधर लिखेंगे, डेबिट साइड। फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, संपत्ति है, संपत्ति का नेचर डेबिट होता है, फर्नीचर का बैलेंस किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में। इंटरेस्ट मिलना क्या है, इनकम है, प्रॉफिट है, लॉस है, प्रॉफिट है, प्लस की माइनस, प्लस मतलब किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। अब बैलेंस को जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, जोड़िए सर जल्दी से, फट गया क्या, 66,000 आ रहा है ना, ठीक है बढ़िया है, सही है। अब बताइए वो लोग खड़े जो 20 जन, जिन सरमाना नहीं है, डरा नहीं है, जिनको दिक्कत हुई है इसमें, वो ही अपने जगह पे खड़े हो जाए ईमानदारी से। आप तीनों तो ऐसे हैं जो लापरवाह हैं, जो पढ़ाई को लेकर नहीं आएंगे तो भाई दिक्कत होगी, बताइए क्या दिक्कत हुई है, खाली उठाइए जो क्वेश्चन दिया गया, बताइए क्या दिक्कत हुई, बताइए जो को दिक्कत हुई। बैंक बैलेंस क्या मैंने बोला है, बैलेंस चाहे कैश में हो, चाहे बैलेंस बैंक में हो, एसेट्स ही है, और एसेट्स का नेचर क्या होता है, तो क्या दिक्कत है बताइए, ये स्टेटमेंट तो मैंने अभी जस्ट यूज किया है, कैश चाहे हाथ में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे कोई भी हो, कैश एसेट्स ही है ना, एसेट्स से तो डेबिट साइड, और बताइए। हाँ खड़े जाओ, कौन पूछ रहा है, ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है आहरण, यानी बिजनेस का कोई पैसा जो बिजनेस में ही जाना चाहिए था, लेकिन आपने पर्सनली यूज कर लिया, इससे क्या हुआ, पूंजी आपकी घटी कि नहीं घटी, मान ली हम 10 रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट किए, 5 रुपया का सामान बेचे, वो 5 रुपया किसका पैसा था, अगर हमको मिला तो बिजनेस का था, बिजनेस में डालेंगे ना, लेकिन आपने पानी पूरी खा लिया या कुछ भी खा लिया, तो पूंजी आपकी घटी कि नहीं घटी, तो घटी तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, मैंने कहीं घटा हो रहा है, अब पूंजी घटेगी तो प्लस होगा कि माइनस होगा, अब माइनस मतलब डेबिट की क्रेडिट, क्या दिक्कत है। सेल्स मैंने बताया था जब करा रहा था तभी बताया था कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, उसके विपरीत सेल्स रिटर्न क्या होगा, अब इस ये तो पूछेंगे तो मार खाने वाली बात है, ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है मार खाना, क्योंकि मैंने इसी बता दिया है, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्या, ये इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है, ये क्वेश्चन मैं क्लास में कई बार कहा हूं, लिखवाया भी हूं, इसमें तो पूछना ही नहीं था, इसमें कहां डाउट, डाउटी वाली बात नहीं है, और बताइए और क्या पूछना है, ओके डाउट खत्म, बैठ जाइए, हां बताओ क्या डाउट है, हां ये डाउट था, बताइए आपका भी हो गया, जो तीनों बता दिए, हां ड्राइंग का मतलब आहरण होता है, हां और बताइए क्या, बिल्डिंग, बिल्डिंग संपत्ति है भाई, बिल्डिंग एसेट्स हो गया, जब तुम्हें एसेट्स का नाम पता चल गया तो अभी जस्ट लिखा है एसेट्स का नेचर क्या होता है, तो अब कहाँ डाउट है, गजब का डाउट मेरा राइज हो गया, बिजनेस को व्यापार को चलाने के लिए जो चीजें उपयोगी हैं, मददगार हैं, वो संपत्ति है, और संपत्तियों का नेचर कहा गया कि संपत्ति का नेचर डेबिट माना गया है, हाँ लेकिन स्टेटमेंट आएगा कि संपत्ति आ रही है कि जा रही है, तब की बात तो अलग है, कि संपत्ति आती है तो डेबिट और जाएगी तो क्रेडिट, संपत्ति की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट डेबिट, और डिक्रीज करेगी तो, संपत्ति आएगी
और आती है तो डेबिट करते हैं, और आएगी कहीं ना कहीं बढ़ेगी ना, और बढ़ रही है तभी तो डेबिट कर रहे हैं, और जब बेच रहे हैं तो जा रही है, जा रहे हैं तो क्या हो रही है, इसकी वैल्यू घट रही है, और घट रही है तो क्रेडिट कर रहे हैं, ये दिमाग में सेट रखना है। और ड्राइंग क्या करता है, पूंजी को घटाता है, पूंजी घटा रहा है इसलिए कहीं ना कमी कमी कर रहा है, पहले कहीं सोचने वाली बात है, कमी करना मतलब माइनस करना, माइनस करना। क्वेश्चन बनाना पड़ेगा इसको, क्वेश्चन एक बनाना पड़ेगा, पता नहीं फोटो खींचा है कोई, बनाया है कि नहीं बनाया है, चेक कर लेने दीजिए। इधर तुम लोग क्वेश्चन लिखवाए होंगे पुराना ना, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाए होंगे, चेक करके बताओ मुझे, वही फोटो दे दो। चलिए मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, वही पार्टिकुलर अमाउंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और फिर क्या करिएगा आप लोग, सॉल्यूशन करेंगे घर से करके लाएंगे। हाँ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, बोले देखिए, परचेज परचेज और अमाउंट लिख लीजिए 28,000। हो गया, अगला लिखिए ड्राइंग, अमाउंट लिख लीजिए 7,000, हाँ 7,000। अगला लिखिए कैश इन हैंड, हैंड अमाउंट लिख लीजिए 1,500 रुपये, अमाउंट लिखिए 1,500 रुपये। अगला लिखिए सेल्स, अगला लिखिए सेल्स, अमाउंट लिखिए 65,000, 65,000। अगला लिखिए पर्ची रिटर्न, अगला लिख लीजिए पर्ची रिटर्न, अमाउंट लिख लीजिए 5,000 रुपये, पर्ची रिटर्न अमाउंट लिख लीजिए 5,000 रुपये। ये तुम अमाउंट गलत लिखे हो क्या, तुम फर्नीचर का बैलेंस 2,75,000 लिखे हो, तुम भी थोड़े पागल हो गए हो लग रहा है। लिखिए आप लोग उसका लिखिए, फर्नीचर का लिखिए तो 27,500, देखिएगा बैलेंस बराबर आ रहा है कि नहीं, तो चेक कर लिया जाएगा, लिख लीजिए 27,500 फर्नीचर का बाबू, फर्नीचर। अगला लिखिए कमीशन रिसिप्ट 15,000, कमीशन रिसिप्ट अमाउंट लिख लीजिएगा 15,000। अगला लिखिएगा इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड कमीशन पेड बोल रिसिप्ट बोले हैं 15,000। अगला लिखिए इंटरेस्ट पेड 2,000 रुपये, अगला लिखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड 2,500 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड 2,500 रुपये। अगला लिखिए रेंट रिसिप्ड 25,000, रेंट रेंट रिसिप्ड 25,000, रेंट रिसिप्ड 25,000। अगला लिखिए मशीनरी 35,700, 35,700 हो गया। अगला लिखिए डेप्टर, डेप्टर डेप्टर DEBTOR डेप्टर, डेप्टर 50,000, डेप्टर 50,000। और लास्ट लिख लीजिए क्रेडिटर, लास्ट लिख लीजिए क्रेडिटर, बैलेंस रहेगा 44,200 यानी 44,200, 44,200 यानी कि 44,200
बस इतना ही, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको घर से करके आना है, कल इसको रिचेक किया जाएगा, जो फॉल्ट होगी इसको इम्प्रूव किया जाएगा, ये कॉपी पीछे पास कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।